सो न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर डिटरमिनेंट्स, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर डिटरमिनेंट्स। अगर हम इस चैप्टर्स की बात करें तो इस चैप्टर के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो अगर मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को मैंने बताया था सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर इसमें हम लोग बात करें तो डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का फॉर्म होगा जो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होगा। सपोज करिए एक ए मैट्रिक्स है और ये जो ए मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी और डी है। अब आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू को आप इस टाइप से राइट कर दीजिए। इसको हम रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसको ऐसे ये बन जाएगा आपके पास ए बी सी और डी। अब अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा ए बी, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या आ जाएगा माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। क्या क्लियर है? ये 2x2 का एक मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते थे। तो ये क्या बन गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स अब किसमें कन्वर्ट हो गया डिटरमिनेंट में। और अगर इस 2x2 डिटरमिनेंट का वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो बहुत ही आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ए डी माइनस बी सी। फॉर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपको मैंने डिटरमिनेंट दे दिया है 1, 2, 3 और 4 और मैं चाहता हूं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना। देखो बेटा बहुत ही आसान, आप क्या करेंगे इसका इंटू इसमें करिए, 4 1 4 और इसका इंटू इसमें करिए तो 2 3 6, 4 - 6 वैल्यू इज -2, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज -2। क्या इतना क्लियर है? क्या ये समझ में आया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सर? बीच में माइनस लगेगा क्या हर बार? हाँ, बीच में फॉर्मूले का माइनस रहेगा। जैसे एक और देखते हैं, डेल इज इक्वल टू, सपोज करिए आपके पास आ गया -2, 3, 4 और 1, ठीक है ना, -2, 3, 4 और 1, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। आप इसका इंटू इसमें करिए तो 1 - -2 - 2, फॉर्मूले का माइनस, 3, 4 जा 12, सो 12 and -2 द वैल्यू इज -14, वैल्यू इज -14। क्लियर? क्लियर है क्या? यस सर। चलिए एक आप करके बताइए, एक आप करके बताइए, डिटरमिनेंट -1, 3, 2, -5, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करके बताइए क्या आ रहा है। The value of determinant is what? Value of determinant. -1, sir. कितना आ रहा है? -5, -6. तो 5 - 1 is -1. है इतना क्लियर है क्या? The value of determinant is -1. कोई कंफ्यूजन नहीं क्या इसमें? क्लियर सर। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, अभी हम 2x2 की बात कर रहे हैं, 3x3 पर नहीं गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x 2 3 4 इक्वल टू -1 2 0 4 -1 2 0 4। ये टाइप से क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं बताएं कि सर हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा था कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपस में क्या हो जाए, बोलो जल्दी से बेटा क्या हो जाए, इक्वल, तो उनके करस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी a किसके इक्वल था e के, b किसके इक्वल था f के, c किसके इक्वल था g के और d किसके इक्वल था h के। पर ये किसमें था? ये पॉसिबिलिटीज किसमें थी? ये पॉसिबिलिटीज आपकी मैट्रिक्स में थी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। तो अगर टू डिटरमिनेंट्स आपस में इक्वल है, इट मींस नॉट कि उनकी जो जो करस्पोंडिंग वैल्यूज है वो आपस में इक्वल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा दिमाग से निकालना है। तो अब करना क्या पड़ेगा, समझ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, 4 into x, 4x - 2 into 3, यानी कितना हो जाएगा 6, is equal to में 4 into -1 - 4 - 0, so 4x - 6 is equal to -4। ये 6 इधर माइनस है, सामने जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4x = -4 + 6, so 4x = value is 2,
सो एक्स इज इक्वल टू 2/4, सो एक्स इज इक्वल टू 1/2. क्लियर क्लियर? अब बोर्ड की प्रॉब्लम क्लियर हो गई? बोर्ड क्लियर है बेटा? यस सर, अब तो क्लियर. ओके क्लियर है, इतना नोट कर लो जल्दी से. एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स 3 2 -4x, एक्स 3 2 -4x इज इक्वल टू 7 3 7 3 1 5 7 3 1 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के क्वेश्चन है आपके पास, और आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. कर सकते हैं हम लोग क्या? बोलो. यस सर, कर रहे हैं. कर सकते हैं, बहुत ही आसान है. इसका इंट इसमें क्या होगा, तो क्या आ गया होगा बेटा, बोलो जल्दी से. -4x² -4x² -6, ठीक है, -4x² -6 इज इक्वल टू 7 5 35, और माइनस कौन आ गया होगा बेटा, 3. -4x² -6 इज इक्वल टू 32. 6 इधर नेगेटिव है, सामने जाएगा तो पॉजिटिव. सो क्लियर है क्या बेटा, x -4x² इज इक्वल टू 32 + 6. क्या क्लियर? सो -4x² इज इक्वल टू 38. सो x² इज 38/-4. क्या करेक्ट है? कैंसिल करिए, 2 2 जा और 2 19 जा. सो x² इज इक्वल टू -19/2. सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -19/2. सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -19/2 आई. क्या सही है, बोलो जल्दी से. क्लास 11 हमने पढ़ा है, रूट ऑफ -1 इज व्हाट, इज आई. रूट ऑफ -2 इज व्हाट, इज 2i. रूट ऑफ -3 इज व्हाट, रूट 3i. क्योंकि वो जो नेगेटिव है वो कहां जाएगा, बाहर i आ जाएगा, इमेजिनरी में. क्या आपको समझ में आया, रूट ऑफ -19/2 था तो वो आई बाहर आ गया, क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ. क्या क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? नो सर. क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, करके बताऊंगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स 3 2x 5, एक्स 3 2x 5 इज इक्वल टू 9 5 3 -1. 9 5 3 -1. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. बताइए जल्दी से सॉल्व करके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. 24 फाइनल चेक कर लेते हैं. 5x - 6x इज इक्वल टू -9 एंड -15. -6 इज इक्वल टू -24. कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24. 24 इज करेक्ट. क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से हम लोग एक्स के एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं बुक के. नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्या करना है आप लोगों को, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. क्वेश्चन राइट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन इज 2 5 4 1 इज इक्वल टू 2x 6 4 और x. 2x 6 4 और x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू को जल्दी से फाइंड करिए, क्या आ रही, वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट. 2 1 2 -5 4 20, सो 2x² - 24. क्लियर? 2 2 -5 4 20 इज इक्वल टू x (x)² - 24. सो -18 इज इक्वल टू 2x² - 20. 24 इधर नेगेटिव है, इसको साइड ले आते, तो -18 + 24 इज इक्वल टू 2x², यहाँ कितना बच जाएगा बेटा, 6.
इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे टू वन जा टू, टू थ्री जा थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू एक्स, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है टू, इसके जीरोस भी कितने होंगे टू होंगे कि नहीं, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा प्लस माइनस, यानी इसका एक जीरो जो है वो प्लस रूट थ्री है और अनदर वन जीरो इज माइनस रूट थ्री। क्लियर? सो वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस रूट थ्री। एक लास्ट लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन कर दूंगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स 18 टू एक्स, एक्स 18 टू एक्स, सिक्स 18 टू सिक्स, 6 18 टू सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड करिए, और बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। प्लस माइनस रूट 36, उसको 36 को बाहर निकालेंगे, उसको उसको फैक्टर करेंगे 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 is equal to 36 minus 36, 36 minus 36, 36 से 36 तो cancel हो जाएगा, ठीक है? So x square is equal to 36, so x is equal to under root of 36, so x is equal to plus minus 6, याद ना? Plus minus 36 कैसे आ रहा है? नहीं सर, वो मैंने root के बाहर नहीं निकाला था उसको। अच्छा root के बाहर, clear है कहीं? नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करना है, यहां पर किसी की वैल्यूज फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करके बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट एंड फाइंड द वैल्यू। इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना, अभी किसी के इक्वल नहीं था, इसको डेल के इक्वल ले लीजिए, लेट डेल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, कर सकते हैं क्या? देखो इसका इंटीग्रल करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सही है, बोलो सही है ना, और इनटू में कौन आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस वन माइनस क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से, एक्स प्लस वन इनटू x माइनस वन, सही है, बोलो जल्दी से, क्लियर की कोई कंफ्यूजन? अब क्या करोगे, दो रास्ते हैं, तो इनटू कर लो या इनटू नहीं करना तो कॉमन कर लो, क्या करना है बोलो जल्दी से, इनटू पहले कॉमन कर लेते, काम कर लेते फिर इनटू कर लो, x प्लस वन को क्या कर लिया, यहां से कौन बच गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बच गया, और ये जैसे ही अंदर जाएगा, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो बता दो बेटा जल्दी से क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ये तो बाहर चले गया, ये क्या बनने वाला है, माइनस एक्स प्लस वन बनेगा क्या, सही, तो ये तो आपके पास एक्स प्लस वन हो ही गया है, अंदर बोल दो जल्दी से क्या चुका है आप लोगों के पास, देखो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, कितना क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चे, वो इतना भी लेंदी नहीं बनाते, वो क्या करते हैं बताएं, वो इसको देखकर सोच लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनता है। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता है कि फॉर्मूला बनता है, क्लास नाइन फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था आपके पास बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए प्लस बी, a प्लस बी विथ इन द ब्रेकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, देखो जल्दी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला था वो था आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी एक्स प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रहा हो गया माइनस ए, यानी डायरेक्ट ही यहाँ हो जाता है, देखो डायरेक्ट क्या हो जाता पता है, मैं वो भी समझा दूंगा, जो कर रहे हैं वो भी सीख लेंगे, पर डायरेक्ट ही क्या हो जाता पता है, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, ये इतना इतना पूरा क्या बन गया था, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, क्लियर है, ये एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब हो गया, और माइनस है तो ये माइनस लगा देते, और ये भी फॉर्मूला बन जाता, कौन सा, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस,
तो ये क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू करते तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या सही। और जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करके देखते थे आंसर क्या आ जाता एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपका आंसर। अभी भी सॉल्व करेंगे तो आंसर तो यही है, फिर क्या समझ में आया वो कितना आसान हो गया, क्या समझ में आया वो भी मैंने आपको बता दिया है, अगर दिमाग में कुछ आ जाए। इससे तो कर ही रहे थे हम लोग, बोलो जल्दी से क्या बन जाएगा ये, बोलो सर यहाँ पर आएगा क्या बन जाएगा ये, बोलो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब होगा क्या माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा क्या, फिर प्लस टू एक्स आएगा क्या, ये एक्स को घुमाया मैंने एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अब वन, सो एक्स स्क्वायर आएगा क्या माइनस टू एक्स आएगा क्या और प्लस टू आएगा क्या, तो माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल होगा क्या, सही है, ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू आएगा क्या, आंसर तो यही है, आंसर तो यही है। पर अगर ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आप केस करने लग गए तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में सॉल्व कर देंगे, नहीं तो ये लॉन्ग प्रोसेस है तो जाना ही, पर क्या समझ में आए, बोलो ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको नोट कर लिया, तो चलो जल्दी से मुझे एक और सॉल्व करके बता दो। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट मैं आपको दे रहा हूं उसको इवैल्यूएट करके बताइए, x, x माइनस वन x प्लस वन एंड x, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करके वैल्यू बताइए क्या आ रही है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करिए, कर पाएंगे क्या आप लोग, यस सर, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट करिए और बताइए क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज व्हाट, माइनस वन, बोलो जल्दी माइनस वन, चेक करते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा बेटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो वैल्यू इज वन माइनस वन का प्लस वन वैल्यू, तो यही तो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स जो है हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है हम लोगों को, पर ऐसे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोगों को कहीं 100% नहीं होने देती, ठीक है ना, थोड़ा सा कम कर देती है 100%, क्या क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आपको 2x2 का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू बी सॉल्व द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2, अगर कोई भी डिटरमिनेंट आपका 2x2 ऑर्डर का होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हो पाएगा। चलिए सो नेक्स्ट वन इज हाउ टू वी सॉल्व द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। देखो अब मान लीजिए कि डिटरमिनेंट दे दिया है 1 2 माइनस 1 3 2 5 1 3 माइनस 2, ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट आपको दे दिया है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो देखो 2x2 का समझ में आ गया, अब 3x3 का समझना किसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपांड करने में थोड़ा अलग तरीके से होगा। स्टार्ट करिए आप 1 से, किससे स्टार्ट करिए 1 से, 1 को लीजिए तो पहला तो पॉजिटिव आएगा और जो आपने 1 लिया है इसके सामने वाला आप लोग कॉलम को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए और इसी के सामने वाला आप रो भी हटा दीजिए। अब आपको चार एलिमेंट दिखेंगे, देखो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, देखो ना 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, इन 4 एलिमेंट्स में आप लोग वो कंसेप्ट लगा दिए 2x2 वाला, माइनस 4 माइनस 15 सही है क्या, देखो माइनस 4 माइनस 15 पहला पॉजिटिव, अब दूसरा जो आएगा ना वो नेगेटिव, तो माइनस और दूसरा कौन है आपके पास 3, तो आप क्या करिए 3 के सामने वाला कॉलम और 3 के सामने वाली रो हटा दो, फिर चार एलिमेंट दिखेंगे आपको 2-1 और 3-2, देखो 2-1 और 3-2 ये हट गए दोनों, इसका एंट्री इसमें करिए क्या आ जाएगा -4 और -3 इधर आ जाएगा ना, बीच में फॉर्मूले का बदल,
पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, थर्ड वन इज ऑल्सो पॉजिटिव. पहला पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव एंड थर्ड इज अगेन पॉजिटिव. क्लियर? तो ये तो आपका कॉलम और ये आपका रो. फिर आप फोर एलिमेंट्स को देख पाएंगे, 1, 2, 3, 4. क्लियर है? मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2. वैल्यूज देख लीजिए, 19 × 1 माइनस 19, माइनस 4 + 3 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 3. ठीक है? एंड 10 + 2 12 12 3 15, माइनस 19 प्लस 15, सो वैल्यू इज माइनस 4. सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज माइनस 4. क्लियर थी? माइनस 4 वैल्यू ऑफ. क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना? आ गया. कोई बात नहीं, एक और देखते हैं. मान लो आपको आ गया है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं. मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हाँ रियली में आप लोग सीख गए. फिर मैं क्वेश्चन दूं तो उसका आंसर 4-6 बच्चे अलग अलग ना दे, उसका आंसर एक ही दे. अब एक आंसर आएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा. चलिए एक और देखते हैं, मैं एक और एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपसे करवाऊंगा. ठीक, सपोज करिए आ गया है 2 0 5 -3 2 1 6 2 3. ये एक डिटरमिनेंट दे दिया है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मुझे फाइंड करना है. ठीक है? तो अभी हमने सीखा है, सबसे पहले देखो इन, आप लोग किसी भी डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन है ना, वो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर, कैसे भी कर सकते हो, पर जनरली हम लोग R1 से एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, या फिर जहां 2 जीरो देखेंगे. मान लो जैसे यहाँ 2 जीरो हो गए तो फिर यहां से एक्सपांड कर देंगे. मान लो यहाँ 2 जीरो हो गए तो यहां से एक्सपांड कर देंगे. इधर 2 जीरो हो गए तो यहां से एक्सपांड कर देंगे. इधर 2 जीरो हो गए तो यहां से एक्सपांड कर देंगे. समझ में आया कि नहीं? जनरली हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग किससे एक्सपांड करेंगे, R1 से ही एक्सपांड करेंगे. ये R1 है हमारा, ये R1 है क्योंकि रो 1 है. रो 1 से ही एक्सपांड करेंगे अगर 0 नहीं है तो, और जहां 2 जीरो दिख जाएंगे फिर उसमें, अगर कॉलम में 2 जीरो है C2 में तो C2 से एक्सपांड कर देंगे. R3 में 2 जीरो है तो R3 से एक्सपांड कर देंगे. C3 में 2 जीरो है तो C3 से एक्सपांड कर देंगे. और अगर कहीं जीरो नहीं है तो फिर R1 से एक्सपांड करेंगे. क्या इतना क्लियर? क्या इतना क्लियर? तो अभी मैं R1 से एक्सपांड कर रहा हूं. तो देखो ये कौन आ गया 2, तो 2 के सामने वाला कॉलम, 2 के सामने वाली रो. 3 2 6 -2. क्या क्लियर? 3 2 6 -2. पहला क्या था बोलो जल्दी? पॉजिटिव. सेकंड नेगेटिव. पर ये जो 3 भी ये कैसा है पहले से बोलो जल्दी? -3 है. माइनस हो जाएगा. तो ये तो कॉलम और ये रो. 1 2 3 4 एलिमेंट है. 3 × 0 0 माइनस कौन आ जाएगा बेटा? पहला पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज आल्सो पॉजिटिव. तो प्लस कौन आ जाएगा? 6. प्लस कौन आ जाएगा? 6. तो 6 के सामने वाला कॉलम, 6 के सामने वाली रो. 1 2 3 4 कितना हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से? 0 - 3. क्या इतना समझ में आया? 6 - 2 तो 2 × कौन आ गया बेटा? 4. माइनस माइनस प्लस 3 इंटू कौन हो गया? -3 प्लस 6 × -3. सो 4 2 8 -30 - 60. सो 90 90 - 8 वैल्यू इज -8. क्या अब आया समझ में कि नहीं आई होगा? बोलो बेटा जल्दी से. हाउ टू वी सॉल्व. क्लियर? कर पाएंगे आप लोग?